Our three children, how are you? Today I will teach you a recap video of EVS chapter 3, water or water. Children, इस chapter में आपने previous class में water forms of different forms of water के बारे में पढ़ा है, sources of water के बारे में पढ़ा, water का क्या importance है ये जाना, water हमें कहाँ से प्राप्त होता है, water के रूप के बारे में जाना कि water है क्या, या हार्मफुल भी है यूजफुल भी है कैसे है, ये सारी बातें आपने इस पोयम के जरिए जाना है ना चिल्ड्रेन। तो आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट में कुछ बताना चाहूंगी कि चिल्ड्रेन, सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में बताना चाहूंगी कि वाटर का सोर्सेज क्या क्या है। सबसे फर्स्ट हैंडपम्प, सेकेंड लेक, थर्ड पॉन्ड, फोर्थ रिवर, फिफ्थ रेन, सिक्स्थ सी, सेवेंथ टैप, एट ट्यूबवेल, नाइन वेल। चिल्ड्रेन आपने देखा होगा और जाना भी है कि ये सारा जो है ये सोर्सेस ऑफ वाटर है, यहाँ से हमें पानी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और मोस्टली आपने देखा होगा कि रेन वाटर जो है वो बहुत जगह यूजफुल है। वाटर जैसे रिवर में रेन वाटर से ही फिल होता है, रिवर पॉन्ड में भी रेन वाटर, लेक में भी रेन वाटर के द्वारा ही ये सब फिल हो जाता है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, तो आपका आंसर क्या होगा, वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। द रेन वाटर कलेक्ट इन रिवर्स, लेक, स्ट्रीम एंड पॉन्ड, है ना चिल्ड्रेन। ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, फिर मैं आपको आज रिकॉल करा रही हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। चिल्ड्रेन आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है, आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा भी कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, वाटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स इन नेचर। फर्स्ट सॉलिड, उसका एग्जाम्पल आइस होगा, लिक्विड वाटर एंड गैस वाटर वेपर। चिल्ड्रेन सॉलिड में, सॉलिड का एग्जाम्पल ही आइस है, तो आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इट हैज अ फिक्स्ड शेप। व्हेन वी पुट सम वाटर इन द फ्रीजर ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर, आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू आइस। व्हेन इट मेल्ट्स, इट अगेन चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जैसे वो चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, वाटर। ओके, अब मैं आपको लिक्विड के बारे में बता रही हूँ। लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है, वाटर। वी यूज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग इटीसी। इट हैज नो डेफिनेट शेप। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज प्योर। प्योर वाटर इज कलरलेस एंड ऑडरलेस। अब गैस का एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर वेपर। अब वाटर वेपर, व्हेन द वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वी कैन सी दिस वेपर कमिंग आउट ऑफ द पॉट। वाटर वेपर इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना चिल्ड्रेन। तो ये सारी बातें आपको प्रीवियस क्लास में बताई गई है, फिर भी मैं आज इस रिकैप वीडियो में आपको डिफाइन की हूँ। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और रिकॉल कर आप इस चैप्टर को समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है चिल्ड्रेन, ओके, बाय बाय।